किसानों से बातचीत के लिए सरकार की नई पहल, आज दोपहर 3 बजे बैठक के लिए दिया न्योता। दिल्ली के विज्ञान भवन में राजनाथ सिंह की अगुवाई में होगी बैठक, किसानों ने बैठक में शामिल होने का किया फैसला। विज्ञान भवन में होने वाली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ केंद्र सरकार के कुछ और मंत्रियों के रहने की उम्मीद। राजनाथ की अगुवाई में बैठक से पहले सरकार ने बनाई रणनीति, जेपी नड्डा के घर पर हुई बैठक। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और नड्डा रहे शामिल। सूत्रों के मुताबिक किसानों के संघ बैठक में आज सरकार तीनों कृषि कानून को लेकर किसानों के आशंकाओं को दूर करने का प्रयास करेगी, लेकिन यह भी करेगी साफ, वापस नहीं लिया जाएगा कृषि कानून। सूत्रों के मुताबिक सरकार किसानों को देगी भरोसा, बनी रहेगी एमएसपी और मंडी की व्यवस्था। इसके लिए बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का दिलाया जा सकता है बयान। सरकार आज बैठक में किसानों से रख सकती है प्रस्ताव, आगे बातचीत जारी रखने के लिए किसान बना सकते हैं कोई कमेटी। सरकार ने कहा कोरोना और ठंड की वजह से पहले की गई बैठक की तारीख। प्रधानमंत्री ने नई कृषि नीति को बताया गंगा जल की तरह पवित्र, कहा भ्रम फैला रहे हैं किसानों से छल करने वाले लोग। सरकार की तरफ से 3 दिसंबर से पहले बातचीत का प्रस्ताव मिलने की दिखी खुशी, सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने बांटी मिठाई। सरकार संघ बैठक से जुड़ेंगे 30 संगठनों के प्रतिनिधि, किसानों ने प्रतिनिधियों से कहा सरकार से मांगे एमएसपी जारी रखने पर कानून बनाने का भरोसा। आंदोलन के 6ठे दिन भी सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने हाईवे पर ही गुजारी रात, सुबह हाईवे पर ही पी चाय। बुराड़ी मैदान में आज किसानों की संख्या देखी कम, सरकार ने दिल्ली की सीमा पर डटे किसानों को बुराड़ी के निरंकारी मैदान में आने का दिया था न्योता। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान हाईवे पर कुर्सी डालकर अलाव तापते आए नजर। टिकरी बॉर्डर पर भी डटे किसान, सुरक्षा इंतजाम दिखा सख्त, टिकरी बॉर्डर पर ढपली के साथ किसानों के गूंज सुरे। सरकार के बाद के प्रस्ताव पर किसान एक राय नहीं, भारतीय मजदूर किसान संघर्ष यूनियन के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुखविंदर सिंह का बयान, सरकार फूट डाल रही है। भरम पालने वाला लावा दिया गया है क्योंकि देश की 500 से प्लस जथेबंदी ये आंदोलन लड़ रही है, ये आर्डिनेंसों के खिलाफ पूरा देश एक है। गाजीपुर बॉर्डर पर देर रात तक जाकर रणनीति बनाते दिखे किसान, बोले बात करेंगे पर हमारी सारी मांगे जाने पर ही हटेंगे। तो हम भी अपनी मर्जी से ही रहेंगे, इतना हमारे पक्ष में फैलना नहीं आएगा, इतना हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर जमे हैं सैकड़ों किसान, खुले आसमान तले गुजारी रात। अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को किसानों के विरोध का करना पड़ा सामना, अनिल विज के सामने प्रदर्शनकारियों ने किसान एकता जिंदाबाद के लगाए नारे। किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया का बयान, अपना उल्लू सीधा कर रही है कांग्रेस, किसानों को बलि का बकरा बना रहे सोनिया और राहुल। बलि का बकरा बनाकर सोनिया गांधी और राहुल अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं, देश उनको इस बात की इजाजत नहीं देगा। जालंधर में कुछ ओलंपिक पदक विजेताओं ने भरी हुंकार, 5 दिसंबर तक कृषि कानून वापस नहीं हुआ तो लौटा देंगे अपने पदक। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए आज हो रहा मतदान, सभी 150 सीटों पर बैलेट से डाले जा रहे हैं वोट, 4 दिसंबर को आएंगे नतीजे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में अजुद्दीन ओवैसी ने डाला वोट, लोगों से ज्यादा मतदान की अपील। ओवैसी ने शहरी इलाके में मतदान प्रतिशत कम रहने का उठाया मुद्दा, कहा अर्बन एरिया के लोग बढ़ चढ़कर ले लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा। ओवैसी ने कोरोना काल में चुनाव के दौरान प्रशासन के इंतजामों को सराहा, कहा हैदराबाद बदलने वालों से मेरी जंग, बैलेट मतदान से दिखे खुश। और ज्यादा वोट का इस्तेमाल करिए, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए, पूरा यहां पर इंतजाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है। हैदराबाद में टीआरएस के नेता के टी राम राव और परिवार ने डाला वोट, सबसे पहले पहुंचे वोटिंग सेंटर। जुबली हिल्स मतदान केंद्र में बुजुर्ग दंपति ने किया मतदान, कोरोना से बचाव के पूरे एहतियात के साथ डाला वोट। ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव में जी किशन रेड्डी ने भी डाला वोट, काजीगुंडा में किया मतदान। हैदराबाद में वोटिंग के लिए सुरक्षा के जोरदार इंतजाम, 22,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती।
मतदान से पहले तिरुपति बालाजी के दरबार में पहुंचे बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव की पूजा। जीएचएम से चुनाव में बीजेपी के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव। जम्मू कश्मीर में भी आज चुनावी सरगर्मी। डीडीसी चुनाव में हो रहा दूसरे दौर का मतदान। मतदाताओं में उत्साह, बहुत सुबह पोलिंग बूथ पहुंचे लोग। जम्मू कश्मीर के 43 निर्वाचन क्षेत्रों में आज डाले जा रहे वोट, इनमें कश्मीर की 25 सीटें शामिल। मणिपुरा के मतदाताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। कुहासे के बीच सुबह से मतदान केंद्र पर लगी जबरदस्त भीड़, इनमें बड़ी तादाद में शामिल रही महिला मतदाता। जम्मू में आज डीसी की 18 सीटों पर हो रहा है मतदान। जम्मू के बस्ती खुर्द पोलिंग बूथ पर सुबह से जुटे मतदाता दोपहर 2 बजे तक होगी वोटिंग। डीसी चुनाव के पहले चरण में बंपर हुई थी वोटिंग। कोरोना काल में भी 52% लोगों ने डाला था वोट। जेएनयू की पूर्व छात्रा शैला राशिद के पिता अब्दुल राशिद ने बेटी को बताया एंटी नेशनल। डीजीपी को लिखी चिट्ठी, बेटी से खुद की जान को खतरा बताया। इतना सारा पता नहीं है क्योंकि मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं। मैं बस सिर्फ जो भी कंसर्न एजेंसीज है उनको कह रहा हूं कि आप इन्वेस्टिगेट, और मेरा पक्का यकीन है कुछ न कुछ निकल आएगा। शैला के पिता ने कहा बेटी ने जो पार्टी ज्वाइन की उससे जुड़े लोग फंडिंग में काट रहे सजा। शैला राशिद के पिता का आरोप अमरका में पड़ी शाह फैसल की पार्टी की बुनियाद, मुझे भी था 3 करोड़ का ऑफर, इंटरनेशनल ही करते हैं इतनी बड़ी फंडिंग। क्या कर सकता है तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना, अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहां से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए आ रही है। शैला राशिद ने ट्वीट कर पिता के आरोपों पर दी सफाई। आरोपों को किया खारिज, पारिवारिक विवाद का बताया मसला। यूपी में एमएलसी की 11 सीटों पर वोटिंग आज। गाजियाबाद में एमएलसी स्नातक एवं शिक्षकों का मतदान, सुरक्षा इंतजाम सख्त। औरंगाबाद में एमएलसी चुनाव में 7 जिले के ग्रेजुएट कर रहे मतदान, शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। वाराणसी में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा के अपमान का विरोध, सुरक्षा पर उठे सवाल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मूर्ति को किया साफ सुथरा, आरोपियों की 48 घंटे में गिरफ्तारी की मांग। दिल्ली में कोरोना के जानलेवा रफ्तार लौटी, 24 घंटे में 108 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में करीब 3,700 से ज्यादा नए मामले, 5,70,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा नए कोरोना केस, 94,00,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 482 लोगों की कोरोना से मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,500 से ज्यादा नए मामले, 18,20,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। कोरोना टेस्ट को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, आरटीपीसीआर टेस्ट के दाम में 2/3 की कटौती। दिल्ली में आरटीपीसीआर टेस्ट 800 रुपए में हो सकेगा, अभी तक देने पड़ते थे 2400 रुपए। घर बुलाकर आरटीपीसीआर टेस्ट सैंपल देने पर आपको 1200 रुपए देने होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कंटेनमेंट जोन के लिए नई गाइडलाइंस, कंटेनमेंट जोन में सभी दुकानें बंद रहेंगी। इंदौर में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, हर दिन 500 से ज्यादा नए केस। अहमदनगर में यशस्विनी महिला ब्रिगेड के अध्यक्ष रेखा भाऊसाहेब जरे पर जानलेवा हमला, मौके पर मौत। पुलिस के मुताबिक रोड रेज के दौरान बाइक सवार ने किया हमला, धारदार हथियार से काटा गला। बिहार के हाजीपुर में दुकान में घुसकर अपराधियों ने की फायरिंग, 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। पटना में लूटपाट के दौरान बदमाशों ने बैंक कर्मचारी की पत्नी को मारी गोली, इलाज के दौरान मौत। मेरठ में फेसबुक पर धर्म विशेष पर अभद्र टिप्पणी को लेकर हंगामा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।